गाड़ी में बैठने के बाद में सीधा हमारे को गाड़ी कैंट आई, कैंट में एक आदमी आके बैठा हमारे पास में, उसने नमकीन बिस्किट चाय वगैरह कुछ खिलाया पिलाया, हम लोगों को खाते ही हम तो बेहोश हो गए सारे। और जब किसी को मालूम नहीं क्या हो रहा क्या नहीं, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रही है, ये बात हुई थी हमारे। फिर ज़्यादा होश आया सुबह जब ये स्टेशन पर आके उतरे, यहाँ पे भाई हमारी हालत खराब हो रही है, बच्चा चल नहीं पा रहा ने बेड। यूपी में राजस्थान के अजमेर के रहने वाले एक परिवार के साथ लूट की घटना सामने आई है। और चौंकाने वाली बात यह है कि परिवार की नई नवेली बहू ने एक युवक के साथ मिलकर अपने ही ससुराल वालों को बीच रास्ते ट्रेन में पहले चाय नाश्ते में नशीली गोली खिलाती है और फिर ससुराल वालों के बेहोश हो जाने के बाद जेवर और पैसे लूटकर फरार हो जाती है। सूचना पर पहुंची जीआरपी ने ससुराल वालों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने बताया कि सभी लोगों के बयान ले लिए गए हैं और साथ ही वाराणसी से इटावा तक के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं जिससे आरोपियों का पता लगाया जा सके। वहीं इस मामले पर दूल्हे के मौसा शांतिलाल का क्या कुछ कहना है आप भी सुनिए। मेरे भतीजे की शादी के लिए और मेरा दूसरा काम भी था, उस चक्कर से मैं हम आए थे, फिर किसी बंदे से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर वो शादी करने के लिए हमारे उसको घर लेके गया, शादी की हमारे साथ में। जिस दिन शादी की उस दिन बच्ची को भेजी नहीं, दूसरे दिन बच्ची को भेजी मुगल साइड ला के देखे गए बच्ची को। फिर वहाँ से फिर हम आगे ये सिटी स्टेशन पे आ गए, फिर वहाँ गाड़ी में बैठ गए हम लोग। गाड़ी में बैठने के बाद में सीधा हमारे को गाड़ी कैंट आई, कैंट में एक आदमी आके बैठा हमारे पास में, उसने नमकीन बिस्किट चाय वगैरह कुछ खिलाया पिलाया, हम लोगों को खाते ही हम तो बेहोश हो गए सारे। तो जब किसी को मालूम नहीं क्या हो रहा क्या नहीं, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रही है, ये बात हुई थी हमारे। फिर ज़्यादा होश आया सुबह जब ये स्टेशन पर आके उतरे, यहाँ पे भाई हमारी हालत खराब हो रही है, बच्चा चल नहीं पा रहा ने बैठ पा रहा ने कुछ हो रहा था, तो यहाँ उतारे फिर हम लोगों ने। और जब शादी करके बहू लाए थे आप बताइए, और बहू भी गायब है उस वहाँ से रस्ते में से गायब है बहू भी। तो जिस व्यक्ति ने आपको खिलाया पिलाया क्या वही व्यक्ति आपको बहू को ले गया, क्या पता नहीं कौन ले गया, हम तो बेहोश थे। मैंने फोन कर दिया उनको सवेरे, मैंने कहा बच्ची भाई गायब है, बच्ची है नहीं हमारे पास में, ये बोल दिया मैंने उनको सुबह भी बोल दिया, अभी भी बोला एक घंटे पहले भी बोल दिया। उन्होंने बोला कि अभी आई नहीं है कानपुर, उतरी होगी तो शाम तक आएगी यहाँ पे, ऐसा बोला। लड़की के पास फोन था लेकिन उसको फोन लग ही नहीं रहा, उसके बाद मेरे पास तो नंबर थे नहीं उसके लड़की के। तो क्या किसी दलाल के माध्यम से आपने शादी कराई? हाँ उसका रिश्तेदार ही था वही। पैसा वैसा लिया था उसने? लिया नहीं, पैसा लिया। कितना लिया? 80,000 रुपये। अच्छा, किस बात का? बोले घर में खर्चा करना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा, वो ले करना पड़ेगा। तो क्या लगता है आपके साथ ये मतलब शादी की जहाँ देखा पैसे की ठगी हुई है क्या? ठगी हुई है सर, भाई ऐसे एकदम तो मरना है ना हमारा, अभी पैसा दे के आए, कपड़े लेते 10 जोड़ी तो कपड़े मंगाए उन्होंने, 10 साड़ी मंगाई, 2 सूट मंगाए, पायल वगैरह वगैरह सब लेके आए, चूड़ी वगैरह वगैरह सब लेके आए हम लोग, सब दिया उनको कि आई तो बस एक ही ड्रेस में आ गई वापस इधर। पुलिस में कंप्लेंट की आपने? हाँ कंप्लेंट कर दी, अभी कर दी। शादी किस तारीख को हुई थी वहाँ पर? 5 तारीख को। वहीं इस मामले पर सीओ रेलवे इटावा का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए। 7/2/23 को सुबह 7:30 बजे मरुधरा एक्सप्रेस ट्रेन से 4 व्यक्ति नशे की हालत में सराय भोपत रेलवे स्टेशन जनपद इटावा पर उतरे। सूचना प्राप्त हुई कि इनके साथ जहरखानी हुई है। इस सूचना पर RPF GRP पुलिस द्वारा इनको तत्काल इटावा सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूछताछ में पता चला कि राजस्थान के निवासी हैं, इन्होंने मुगलसराय के किसी गांव में अपने लड़के की शादी किसी एजेंट के माध्यम से कराई थी जिसमें इन्होंने कुछ पैसे भी दिए थे। जब उस लड़की को लेकर आ रहे थे तो उस लड़की व उसके सहयोगी ने कॉफ़ी में इनको नशीला पदार्थ दे दिया। जब ये सो गए तो लड़का लड़की ट्रेन से उतर कर चले गए। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई